स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आज के दिन हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के जो प्रमुख खोजकर्ता हैं और वह स्थल कहाँ स्थित है, किस नदी तट पर बसा हुआ है, इसके बारे में तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी वस्तुएँ कहाँ से आयात करते थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने कहा था तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके खोजकर्ता और किस नदी के तट पर ये बसे हुए हैं तथा आयातित वस्तुएं। तो सबसे पहले हम आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ग्राफ बनाया हुआ है हमने, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, उनके खोजकर्ता और विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला स्थल है वो हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है आपका वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने सन 1921 में की थी। और यह जो आपका है हड़प्पा स्थल वह पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा जो आपका स्थल है वह है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी और यह आपका जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा जो आपका है वह है धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल है आपका वलूनी नदी पे है और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1990 और 91 में। और धौलावीरा जो है वह आपका गुजरात में स्थित है। चौथा जो आपका है वह है बनावली। तो बनावली जो आपका है वह रंगोई नदी पर स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी सन 1974 में और बनावली जो आपका हरियाणा में स्थित है। पांचवा जो आपका है वह है लोथल। लोथल जो आपका है वो भोगवा नदी पर स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी सन 1955 में और दूसरी बार जब इसका उत्खनन कराया गया था 1962 में और ये आपका गुजरात में स्थित है। छठा जो आपका है वह है आलमगीरपुर और आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1958 में की थी और ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है। सातवां आपका है रंगपुर। रंगपुर आपका मादर नदी पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1953-54 में और रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। आठवां जो आपका स्थल है वह है रोपड़ में और रोपड़ जो आपका सतलज नदी पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953-56 में और रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। नवा जो आपका स्थल है वह है कोट दीजी। कोट दीजी जो आपका स्थल है वह सिंधु नदी पर स्थित है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी सन 1953 में और कोट दीजी जो आपका है सिंधु प्रांत में है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। दसवां जो आपका है वह है सुतकांगेडो, जो कि द्वास्क नदी पर स्थित है। इसकी खोज आर जे स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स ने 1927 में, दूसरी बार 1962 में और यह आपका पाकिस्तान में स्थित है सुतकांगेडो। ग्यारहवां जो आपका स्थल है वह है कालीबंगा, यह आपका घग्गर नदी पर स्थित है जिसकी खोज बीबीलाल बी के थापर ने 1953 में की थी और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। बारहवां जो आपका स्थल है वो चनूदड़ो है, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में इसकी खोज की थी और यह सिंधु प्रांत के पाकिस्तान देश में स्थित है। तो जैसा कि हमने आपको
संध्याकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण 12 स्थल, उनके खोजकर्ता का नाम और किस सन में खोजा गया था तथा वे कहाँ स्थित हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब आइए हम आपको बताते हैं दूसरे ग्राफ में कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कहाँ से कौन सी वस्तुएं आयातित करते थे, मतलब कौन से जगह से वो कौन सी वस्तुएं मंगाते थे। तो सबसे पहले आयातित वस्तुएं हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सीसा ईरान से मंगाते थे। सीसा कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। गोमेद जो आपका था वह सौराष्ट्र था, अर्थात जो गोमेद मंगाते थे वह सौराष्ट्र से मंगाते थे। सौराष्ट्र आपका गुजरात में स्थित है। लाजवर्त जो होता था वो मेसोपोटामिया से मंगाते थे, जो कि आभूषण बनाने में काम आते थे। मेसोपोटामिया आपका इराक के पास में है। टिन जो आपका होता था वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा जो आपका होता था वो खेदड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी जो आपकी होती थी वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। सोना जो आपका होता था वह कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीसा आपका ईरान से मंगाया जाता था, गोमेद आपका सौराष्ट्र से मंगाया जाता था, लाजवर्त आपका मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था, टिन आपका अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, तांबा आपका खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था, चांदी जो आपकी है वह अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी, सोना जो आपका है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। अर्थात कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं और आयातित प्रदेश स्थल। तो हम अब आपको बताते हैं, जो हमने दोनों ग्राफ आपको बताए हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस ग्राफ को आप लोग अच्छी तरीके से एक बार पढ़ें। हमने आपको बहुत पहले बताया होगा कि पिछली बार यूपी टू एलएससी कट में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बनवाली कहाँ स्थित है। तो बनवाली आपका हरियाणा में स्थित है। ऐसे ही जितने भी आपके 12 प्रारंभिक जो स्थल हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो कहाँ स्थित हैं, उनके खोजकर्ता कौन हैं, किस सन में खोजा गया और किस नदी तट पर स्थित हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि हमने बताया था कि आज खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके खोजकर्ता कौन हैं, किस सन में खोजा गया और वर्तमान में कहाँ स्थित है, तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी वस्तुएं कहाँ से आयातित करते थे, ये सब हमने आज आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। चलिए एक बार रफली रिवाइज करते हैं। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। दयाराम सानी तथा माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था 1921 में, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है स्थित। राखनलाल बनर्जी ने 1922 में खोजा था, पाकिस्तान में है। धौलावीरा आपका लूनी नदी पे स्थित है। प्रवीण सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990-91 में, गुजरात में स्थित है। बनवाली आपका रंगोई नदी पे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1974 में, हरियाणा में स्थित है। लोथल आपका भोगवा नदी में है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 55 और 62 में, गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1958 में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। रंगपुर आपका मादर नदी पर स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1953-54 में, गुजरात में स्थित है। रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। सतलज नदी पर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953-56 में। कोट दीजिए आपका सिंधु नदी में पर स्थित है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1953 में। सुल्तानगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि द्वस्त नदी पर स्थित है। आज स्टाइल एवं धार डेस ने 1927 और 1962 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा आपका जो है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास स्थित है। बीबी लाल तथा बी के थापर ने 1953 में इसकी खोज की थी। चंगुदड़ो जो आपका है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट के पास स्थित है। गोपाल मजूर
कार ने इसकी खोज की थी 1931 ईस्वी में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन आज का, खोजकर्ता, स्थल और किस नदी तट पर है तथा आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी। ये आपका लेक्चर आज खत्म होता है। इसको आप बार बार रिवीजन करिए। कोई भी कंपटीशन, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट लेवल का हो, हर कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बार बार पूछा जाता है। कभी मैच करने को पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा कौन से नदी तट पर स्थित है, कभी पूछा जाएगा इसकी खोज किसने की थी, कभी पूछा जाएगा किस सन में की थी। तो ये सा और अगला जो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग आयातित वस्तुएं जो उनकी थी, जो वस्तुएं मंगाते थे वो किस देश से मंगाते थे और कौन सी वस्तुएं थी। तो ये मेरा लेक्चर आज खत्म होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद टाइगर आपका अपना चैनल ही नहीं, आपका परिवार है। इसलिए आप लोग इस परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुँचती रहे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। बस इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन कम ही होंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसलिए छोटे ही क्वेश्चन से ही लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप हमारे साथ बने रहिए और इसको रिवीजन और बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए, आज की क्लासें यहीं ख़त्म होती है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।